करेंगे 10 ऐसे अद्भुत टोटके जो बदल देंगे आपका पूरा जीवन। फिटकरी के गुणों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। फिटकरी का ज्यादातर प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। फिटकरी देखने में खड़े नमक की तरह लगती है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये बहुत सारी समस्याओं से जैसे कि मुंह की बदबू, कील, मुहासे, झुर्रियों, बुखार, खांसी से निपटने में आपकी मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिटकरी का प्रयोग कुछ टोटके करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र शास्त्र में फिटकरी को काफी लाभदायक माना गया है। इसे उपाय करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साथ ही साथ आपको जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि किन किन समस्याओं से निपटने के लिए फिटकरी के टोटके किए जा सकते हैं। इन असरदार टोटकों के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और आप व्यापार में मंदी की समस्या से जूझ रहे हैं तो एक काले कपड़े में फिटकरी को बांध कर उसे अपनी दुकान या ऑफिस के दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके व्यापार में तरक्की होगी। अगर आपके परिवार के लोगों के बीच प्रेम की कमी है और अक्सर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है तो रात को पलंग के नीचे पानी के गिलास में फिटकरी के कुछ टुकड़े डाल दें और फिर अगली सुबह उस जल को पीपल के पेड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर की कलह दूर हो जाएगी। अगर आपको इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है तो सबसे पहले फिटकरी के 5 टुकड़े, 6 नीले फूल और 1 कमर में बांधने वाली बेल्ट ले लें और इन सबको नवमी के दिन देवी माँ को चढ़ा दें। दशमी के दिन बेल्ट किसी कन्या को दे दें, फूल बहते पानी में बहा दें और फिटकरी के टुकड़े अपने पास रख लें और फिर इंटरव्यू देने जाएं। ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप कर्जदार हो गए हैं और इस कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो फिटकरी का ये टोटका आपकी जरूर मदद करेगा। इसके लिए आप बुधवार के दिन थोड़ी सी फिटकरी पर सिंदूर छिड़क दें और फिर उसे पान के पत्ते में लपेट कर कलावा से बांध दें। फिर उसको शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी भारी चीज जैसे बड़े पत्थर से दबा दें। ऐसा आप लगातार 3 बुधवार करें। ध्यान रहे ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो इसमें भी फिटकरी का टोटका आपकी मदद कर सकता है। आपको करना ये है कि हर रोज सोने से पहले फिटकरी से दांत साफ करें, कभी कभार नहाने के पानी में भी फिटकरी को डाल लें। साथ ही पोछा करने वाले पानी में थोड़ी फिटकरी और नमक मिलाकर अगर सफाई करेंगे तो इससे वास्तु दोष भी दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं रहती। फिटकरी के उपाय से आपको बुरी नजर से भी मुक्ति मिलेगी। नजर दोष वाले व्यक्ति को सबसे पहले लिटा दें, फिर फिटकरी के टुकड़े लेकर सिर से लेकर पांव तक 7 बार घुमा लें। ध्यान रखें कि पांव तक ले जाते समय तवे पर फिटकरी जरूर लगाएं, फिर इसको आग में डाल दें। ऐसा करने से बुरी नजर दूर हो जाएगी। अगर आपके पास धन नहीं रुकता है तो आपको तिजोरी में एक फिटकरी का टुकड़ा लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, इससे आपके खर्चे कम हो जाएंगे। अगर घर के किसी सदस्य की बहुत समय से तबीयत खराब है तो फिटकरी को 7 बार उसके सिर पर से वार कर फेंक दें। ऐसा करने से घर के बीमार सदस्य की तबीयत में सुधार होने लगेगा। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको अपने घर के हर कमरे में किसी कोने में कटोरी में नमक के साथ फिटकरी को मिलाकर रख देना चाहिए। यदि आपको रात में सोते वक्त बुरे सपने आते हैं तो आपको अपने तकिए के नीचे फिटकरी का 1 टुकड़ा रखकर सोना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई है। इसमें हमारी कोई भी निजी राय शामिल नहीं है। हमने इस वीडियो को शिक्षा के उद्देश्य से बनाया है और हम आशा करते हैं कि आप भी इसे इसी तरह लें। वीडियो में दी गई जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।